हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आप सभी के इतने सारे कमेंट्स पहली वीडियो पर रहे, इतनी सारी डिमांड रही, ग्रामीण विकास एवं परिवेश की बहुत सारी आप लोगों के द्वारा प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं। ठीक है, जितने लोगों ने इस बात में उत्सुकता दिखाई, सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। टीम हमेशा हर एक लेक्चर में, चाहे जिस विषय के हैं, उनको बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है कि आप कहीं से भी, मैंने इतनी जगह पर देखा है, इतने ग्रुप्स में देखा है, हर जगह बच्चों में ये भटकाव बना हुआ है। ठीक है, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स पर देख लीजिए, वहां पर क्या है, किसी ने सिलेबस वगैरह के बारे में मेंशन नहीं किया है। ठीक है, यहां पर मैंने पहले ही लेक्चर में जिन लोगों को विषय वस्तु के बारे में मालूम नहीं है कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, वो लोग मेरा जो है पहला लेक्चर देख लें। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास की स्थिति है क्या, मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दी है। तो आपको पहले लेक्चर को देखकर बहुत सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई होंगी। आज इन्हीं के क्रम में मैं दूसरा लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं, जिनमें हम लोग बात करेंगे उन तथाकथित ग्रामीण इन बिंदुओं से जिनका योगदान आज की सरकारों या इससे पिछली सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान दिया है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण विकास अगर आप वास्तविकता में जाओगे तो वास्तविकता से परे है, लेकिन सरकारों की द्वारा चलाई गई योजनाओं का इसमें जो रोल है वह बड़ा अहम होता है। इन्हीं सब पर परिचर्चा मैं बहुत व्यापक करूंगा, तो आपको पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाना है। और रही बात जितने लोग नोट्स के लिए पूछ रहे थे, ठीक है, कई लोगों के कमेंट रहे कि हिंदी के नोट्स चाहिए सर या ग्रामीण परिवेश के नोट्स चाहिए। देखिए, जितना कुछ मैं बता रहा हूं इसके अलावा भी नोट्स में मैंने बताया है कि नोट्स की खूबी यह है कि जितना कुछ कोई भी यहां पर टीचर बताता है उसके अलावा उससे ज्यादा चीजें नोट्स में होती हैं। इस वजह से 499 का जो यह प्लान है 3 महीने का, इसका सब्सक्रिप्शन ले लें, अच्छी तरीके से नोट्स आपको प्रिंटेड मिल जाएगी। बाद में एक पूरा फुल पीडीएफ दे देंगे, हर दिन की डे वाइज आपको मिलती है, सबसे अंतिम में आपको पूरा एक कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा जिससे जा करके आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं और अपने पास सुरक्षित सहेज सकते हैं। इस वजह से आप सारे लोग नोट्स की चिंता मत करिए, 499 प्लान 3 महीने के लिए है, हर दिन उसमें हर एक क्लास की नोट्स दी जाती है भैया, उसको सारे लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और सभी को पूरी नोट्स मिल जाएगी, तो उसमें परेशान भी नहीं होना है। ध्यान दीजिए सारे लोग, ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है पूरा, ये आप सभी को मालूम है अच्छे से कि जितने भी वीडियोज होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपके पीडीएफ है, ये सारी चीजें आपको मिलती रहती रहेंगी हमेशा हमेशा, टीम निरंतर प्रयास करती है। बस आपको करना क्या है कि आपको इन तीनों सुविधाओं का लाभ लेना है तो हमसे जुड़ जाइए और आप पीडीएफ सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए 499, 3 महीने 499 रुपए नाम मात्र का शुल्क है। इस वजह से है कि बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है, टीम ने यह जो है आकलन किया कि पीडीएफ देने के बाद भी वो पूछते थे सर ये चीज कहां पर है, मतलब क्या था कि उनका कोई भी ऐसा अंदर से चीजें नहीं आ रही थी। तो थोड़ा सा इसी वजह से टीम ने बहुत सारी चीजें सोच समझ के 3 महीने के लिए ऐसा पैकेज घोषित किया है। आपके अंदर खुद से ये चीजें जगेंगी कि अच्छा मैंने पैसे पेमेंट किए हैं तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं सब पर थोड़ा सा गंभीर होइए, तो मैं क्लास की ओर बढ़ रहा हूं भैया। सब्सक्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा लोग लें, मैं फिर से वही बात बता रहा हूं कि जितने लोगों ने अगर सिलेबस को नहीं देखा है पहली वीडियो जाकर के देख लीजिए, मैं जितने पॉइंट्स पढ़ाऊंगा सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है, आपका उस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, देखो अभी मैं सब कुछ पढ़ा दे रहा हूं, पढ़ाने के बाद जब क्लासेस ओवर होंगी तब हम लोग क्वेश्चन पर शुरुआत करेंगे, पहले पढ़ा तो दें। ये तरीका नहीं होता कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे शुरुआत करा दूं, मैं पहले पढ़ा रहा हूं उसके बाद हम प्रॉपर वे में अच्छे से सारे हर दिन क्लासेस लगा के जो है लाइव सेशन में पूरा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। तो पहले आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं यह आपका सिर्फ ग्रामीण विकास के बारे में आपको बहुत कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, कि ग्रामीण विकास की अवधारणा तो आपका दूसरा बिंदु होगा, इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास है क्या, इन्हीं परिपेक्ष के जो है इर्द गिर्द आज सारी बातें होंगी हमारी आपकी, तो बहुत विधिवत ढंग से सुनिएगा, क्योंकि अगर इस बेसिक को समझ लिए आप, जिन आधार पर आप जो है पूरी चीजें टिकी हुई है उस आधार बिंदु को आप समझ गए, तो आप अपने आप से यह तार्किक दिमाग अपना यूज कर लेंगे कि
जो सर ने बताया है इस चीज का अगर हम देखें वर्तमान जो है माहौल में तो कहां कहां पर कैसी कैसी चीजें मिलती हैं। देखिए हम सभी कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। हमारा जो है ठीक है, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, हमें भी मालूम है कि खेती बाड़ी को लेकर क्या होता है, क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा चलती हैं। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में जैसे ही आप आज की पृष्ठभूमि को समझेंगे आपका जो सोचने का दायरा है ये कई अलग अलग नजरिए से खुल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस क्लास को बहुत गंभीरता के साथ देखिए, सब कुछ आपका धीरे धीरे एक के बाद एक जो है डुअर स्टेप खुलना प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ग्रामीण विकास पर आपका मुख्य रूप से आज परिचर्चा है, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट रहें और हम लोग शुरुआत करें। मैंने पूरा सब कुछ लिख रखा है, जितने लोग नहीं जानते हैं वो उत्तर प्रदेश, ये आठवां आपका पॉइंट होगा, भू राजस्व रिकॉर्ड ऑपरेशन महत्वपूर्ण बिंदु ये भी होगा, भूमि से संबंधित परिभाषा। दूसरी बात दोस्तों, ये सब आपका किसके परिप्रेक्ष्य में है, ये सब कुछ आपका उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, भू दस्तावेज या भू राजस्व अभिलेख क्या है, भूमि प्रबंधन समिति क्या है, सब कुछ पढ़ाना है। तो कहीं कुछ भड़काओ मत लाइए अपने अंदर, सारी चीजें यहां पर मिलनी है। ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया है, राजस्व न्यायालय, राजस्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण, तो कहीं पर कोई भड़काओ मत लाइए। बाकी उसके लिए मैं हूं, टीम है, हर एक सब्जेक्ट आपका यहां पर पूरा होना है। तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामीण जो है विकास के संबंध में, किसके विकास के संबंध में, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गांव का जो है वो भारत जो है गांव का आपका देश है। यहां पर लगभग 60% से ज्यादा जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है भारत जैसे देशों में। यहां पर अगर देखा जाए तो लगभग 60% से ज्यादा जो जनसंख्या है यह आज भी कृषि पर निर्भर है। वर्तमान समय में जब आपका लॉकडाउन हुआ तो देश की सरकार सबसे ज्यादा फोकस किस पर रही, जो दिहाड़ी के मजदूर है या गांव में जो कृषि कर रहे इन सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाए। आज हमारे पास भारत यह चैलेंज करता है कि आने वाले 6 महीने तक हम हर व्यक्ति अगर बैठ जाए तो सरकार के पास इतना अनाज है कि वह अनाज को पर्याप्त रूप से सभी तक मुहैया करा ले जाए। आखिर ये जो चीजें सरकार का दावा है, सरकार के द्वारा जितनी स्कीमें चलाई जाती हैं इन सभी में संबंध क्या है। देखिए अगर मैं वर्तमान जगत में बात करूं तो इस बिंदु का पूरा नाम है ग्रामीण विकास एवं परिवेश। ठीक है, अगर इस ठीक है परिवेश या एक चीज और आप अपने मायने से समझिए, इस चीज को अगर मैं अच्छे से डिफाइन करूं तो वहां पर आपका एक चीज और बन के आएगा, वह क्या होगा, परिवेश की जगह पर आप लिख सकते हो ग्रामीण विकास एवं समाज। समझे, ग्रामीण विकास एवं समाज, इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात आती है भैया समाज क्या है, कहते नहीं सामाजिक बनिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। देखो यह जो अवधारणा रही, पहले समाज समझ जाओगे तो आप ग्रामीण विकास को समझोगे, ग्राम को समझोगे। सबसे पहले मनुष्य का जन्म होता है पृथ्वी पर, मनुष्य आता है, मनुष्य के आने के बाद धीरे धीरे उसमें जब थोड़ी सी समझ विकसित होती है तो वह परिवारों के रूप में रहना प्रारंभ करता है। पहले वह क्या करता है, परिवारों के रूप में रहना प्रारंभ करता है। जब परिवार बढ़ना प्रारंभ होते हैं तो धीरे धीरे एक जो है मुखिया बनता है परिवार का, 4-5 परिवार हो गए, उसी से धीरे धीरे एक कबीले का निर्माण होता है, कबीले का राजा चुना जाता है, कबीले का राजा, राजा को भगवान का दर्जा आने वाले दिनों में दिया जाता है। उसमें एक सारे कबीले वालों ने मिलकर यह कहा कि हम एक अपना मुखिया चुनेंगे और वह मुखिया जो कुछ कहेगा उसकी बातों को मानेंगे और वह मुखिया हमारी जो समस्या है उसको सुनेगा। ठीक है, तो कबीले का मुखिया निर्देश देता था कि अब हमें ऐसा ऐसा कार्य करना है, अब यह कार्य होना चाहिए। इन सभी के जो है मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को बांधता गया। बात तब आती है जब बहुत कुछ बहुत व्यापक जो है तौर पर फैल गया, यानी कबीले से उठ के इंसान शहरों की ओर आने लगा। बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में आपने पढ़ रखा है इतिहास में कि वहां की सभ्यताएं आपकी पूर्तियां क्या रही, नगरीय सभ्यताएं रही, कुछ सभ्यताएं आपकी ग्राम पर टिकी रही, यानी कुछ ऐसी भी सभ्यताओं के बारे में आपने पढ़ा है जो बहुत ही विकसित रही। ठीक है, वो सब इतिहास के लेक्चर में आप पढ़ेंगे एंसिएंट में, लेकिन यहां पर मैं बात क्या कर रहा हूं कि समाज का निर्माण, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य को समाज में रहना है और जब समाज में हम रहेंगे तो समाज का एक दायित्व होता है, समाज में हर एक व्यक्ति का दायित्व है। आप जानते हैं जब कबीलों का निर्माण हुआ, कबीलों के बाद धीरे धीरे सामंतवादी युग आते हुए हैं, सामंतवादी में ही आपका राजा का भी युग आता है,
तो जब राजतंत्र आने लगा तो राजतंत्र में भी राजा को ईश्वर का प्रतिरूप बताया गया और राजा से यह अपेक्षा की गई कि उसकी प्रजा पर जो कुछ कष्ट आएंगे उनका निवारण एक राजा करेगा। यह क्या है? यह एक समाज है। उस समाज में हर एक व्यक्ति का दायित्व और हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यानी अगर समाज आपको अधिकार देता है कि भैया आप समाज में रहते हैं, आप ये कार्य कर सकते हैं, सामाजिक उत्सव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो समाज आपके दायित्व को भी सीमित करता है, आपके अधिकारों को भी सीमित करता है। समाज बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। बहुत कुछ थ्योरी है समाज के बारे में। जब आप पढ़ोगे, हमें ग्रामीण विकास एवं समाज के बारे में बात करना है तो भारत गांवों का देश है। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो गांवों का जाल बिछा हुआ है। बात है तब जब भारत जो है एक आर्थिक लोक जो है वर्तमान के गणतंत्र की ओर बढ़ रहा था। हम गुलामी की, राजाओं की गुलामी के बाद किस तरफ अंग्रेजों के गुलाम हुए, अंग्रेजों के गुलाम के बाद जब हम अपने आधुनिक लोकतंत्र में आ रहे थे 1947 में, उस दौरान आप सभी जानते हैं खेती बाड़ी का जो जिम्मा था, ठीक है, यह उस समय भारत में बहुत ही बुरी कंडीशन थी। उसके बाद चाहे प्रथम अर्थव्यवस्था रही हो, वो मतलब चाहे पहली पंचवर्षीय योजना रही हो, द्वितीय रही हो, तृतीय रही हो, चतुर्थ रही हो, सभी पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की रीढ़ को मजबूत करने का कार्य किया गया। और वह रीढ़ क्या थी? वह रीढ़ थी ग्रामों का विकास। अगर गांवों का विकास अच्छा होगा तो गांवों में विकास, आप जानते हो कि गांवों में क्या किया गया, हर एक किसान के लिए खेत का आवंटन हो, इसके लिए सबसे पहले जो है 1951 की बात है, आप सभी लोग जानते हैं, संशोधन आना प्रारंभ हो गए कि जो भूमि से संबंधित पहले व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, इन सारी काश्तकारी, इन सारी व्यवस्थाओं से भूमि एक ही लोग के पास हो जाती थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, गांव में सभी को बराबर की स्थिति में लाया गया, सभी का योगदान बराबर हो, हर एक व्यक्ति इस जो है अपनी एक समाज में एक क्या करे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भूमिका निभा सबके, इसी के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो हमें ग्रामीण विकास को समझने के लिए मैं आपको पंचवर्षीय योजनाएं बताऊंगा। कृषि से संबंधित था, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कृषि से संबंधित जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं सभी को, पूरी योजनाएं मैं आपको एक उस पर विशेष लेक्चर होगा, पूरी की पूरी योजनाओं के बारे में सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, उसकी नोट्स भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगी। नोट्स हर एक क्लास की मिलनी है, इसीलिए मैं बोलता हूं 499 तीन महीने का सब्सक्रिप्शन है, ले लो भैया, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है, अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जब बात हुई गांवों की, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में गांवों का अगर आप जो है ये नजरिया देखोगे कि गांवों से संबंधित विकास का क्या है, तो सबसे पहली चीज आती है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसके द्वारा और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे पहल किए जाते हैं जिनसे गांवों का विकास हो। और गांव का विकास मतलब गांवों से कृषि आपकी भाग नहीं सकती। कृषि का विकास क्या है, कृषि में आज तक सरकारों का योगदान क्या रहा है, सरकारों ने किन किन योजनाओं में कैसी कैसी योजनाओं को चलाया है, उन सभी पर हम लोग केंद्रित। अगर ग्रामीण विकास की मैं बात करूं आपसे स्पष्ट रूप से क्या मतलब है, देखो ग्रामीण विकास का भैया मतलब है, जो एक आप सही वे में पढ़ोगे, ग्रामीण विकास का मतलब है कि लोगों का क्या होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए और सामाजिक विकास के साथ साथ लोगों का आर्थिक विकास भी होना चाहिए। ग्राम विकास की उचित परिभाषा यही है कि लोगों का सामाजिक जो है क्या हो, विस्तार हो, साथ ही साथ उनका आर्थिक जो है विस्तार हो, आर्थिक विकास हो। विस्तार का मतलब विकास से समझ सकते हो। तो जब आर्थिक विकास की बात आती है ग्राम में, तो सरकार ने इसके लिए कृषि को मजबूत करना जो है प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में आप देखो स्वतंत्रता के शुरुआत से ही बहुत सारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुए, उसके बाद HYV फील्ड्स पर संबंधित कार्यक्रम हुए, इन तमाम सुविधाओं को, इन तमाम योजनाओं को किसानों के लिए घोषित किया गया समय समय पर। तो इन सारी समस्त चीजों का अगर हम एक निचोड़ निकालें तो उस निचोड़ के संदर्भ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इन सभी को बहुत अच्छे से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, मुख्य रूप से अगर देखें इसका जो मुख्य अर्थ होता है वो यह होता है कि लोगों का आर्थिक सुधार हो। यानी लोगों की जो दशा है, अगर वो खेती कर रहे तो खेती बाड़ी से ही उन्हें कुछ पैसे मिलने चाहिए। दूसरी बात सामाजिक बदलाव, आर्थिक सुधार के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी होना चाहिए। इन दोनों का मिला जुला रूप होता है ग्रामीण विकास।
ग्रामीण विकास क्या है वास्तविकता में, दो पॉइंट आपके दिमाग में बने, एक तो आर्थिक सुधार, तो आपको अर्थ से संबंधित सारी चीजों पर सोचना पड़ेगा, ठीक है, यही जानकारी चाहिए। दूसरा क्या है, सामाजिक बदलाव, समाज में क्या क्या चीजें बदल रही, इसीलिए इस पूरे सिलेबस को जो आपसे पूछता है वह ग्रामीण विकास एवं समाज से पूछता है, क्योंकि ग्रामीण विकास का ही अर्थ क्या है, आर्थिक सुधार के साथ साथ सामाजिक बदलाव। दूसरी बात, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई जो भागीदारी होती है, ठीक है, ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम होते हैं इसमें लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, प्रतिभाग करें, योजनाओं का क्या होता है, विकेंद्रीकरण, ठीक है, योजनाएं दो तरीके से चलाई जाती है अपने यहां पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना, जितनी चीजें पढ़नी है मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट यहां पर डाल दिए हैं कि आपका हर एक पॉइंट यहां से क्लियर होता जाएगा कि सिलेबस में मूलभूत हमें क्या पढ़ना होता है। अगर इन सारे अर्थ को आप समझ गए तो यह मान के चलो कि लगभग पूरे सिलेबस पर आपका दिमाग पहुंच चुका है। इसीलिए बहुत गंभीरता से समझिएगा इन बिंदुओं को। यहां पर क्या बोला कि भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना, और दूसरी बात क्या है, ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है ग्रामीण विकास का। अब समझे ग्रामीण विकास की परिभाषा क्या है, ग्रामीण विकास की परिभाषा है कि लोगों के आर्थिक विकास को करिए और साथ ही साथ बड़ा सामाजिक बदलाव करिए, यह ग्रामीण विकास है वास्तविकता में। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे बिंदु मिल गए होंगे जहां से आपकी समझ यह विकसित होगी कि अब हमें ग्रामीण विकास के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। दूसरी बात, इनके आगे अगर मैं आपसे बढ़ूं तो वहां पर क्या चीजें हैं, ध्यान दीजिए सारे लोग, ठीक है, बात है शुरुआती दौर की, जब भारत क्या क्या हुआ, आजाद हुआ, नहीं नहीं हमको आजादी मिली, हम अपनी सारी चीजों से बहुत तंग थे, क्योंकि भारत में आप जानते हो कि उस दौरान कृषि की पैदावार हमारी बहुत ही कम थी, इसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। हमारे यहां आपके घर के बुजुर्ग होंगे वो बताते होंगे कि साठा चावल, ठीक है, तिन्नी का चावल जिसको बोलते हैं वर्तमान में, साठा पैदा होता था, ठीक है, 60 दिन के अंदर तैयार होता था, उसी चावल को खाना, किसी ने मान लीजिए, ठीक है, मैंने बताया है, जिक्र किया है कि कहीं पर शादी हो गई और उस व्यक्ति ने मान लीजिए, पहले रोटी बारातियों के लिए रोटी बनती थी, गांव में पूरी चारपाई मांग के आती थी, 3 दिन की बारात होती थी, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, 3 दिन की बारात होती थी, गांव में चारपाई सभी के घर से मांग के आती थी, ठीक है, और एक बाग के नीचे बिछा दी जाती थी क्योंकि बारात 3 दिन थी। उसके बाद क्या होता था, सब जो बारातियों को खाना मिलता था वह रोटी मिलती थी, पूरे गांव के लोग योगदान देते थे, वह एक समाज था, पूरे गांव के लोग योगदान देते थे और रोटी बनता था। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसने खिला दिया चावल, तो कम से कम आप यह मान लो कि 25 जो है 10-20 कोस में उस व्यक्ति का नाम होता था, फलाने के यहां भात खिलाया गया भैया, समझे, तो कितनी बड़ी महत्ता थी कृषि की, भैया चावल नसीब ही नहीं होते थे। आप सारे लोग जानते हैं एमएस स्वामीनाथन का योगदान, हरित क्रांति का योगदान, खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के पीछे सरकार की जितनी योजनाएं रहे वह सब कुछ मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से यहां पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे बढ़िए। इसी में जब बात करते हैं, जब हमें आजादी मिली, आजादी के समय बहुत सारा कष्टमय जीवन था यहां के किसानों का, पैदावार कुछ होती नहीं थी, पूरी तरीके से हम निर्भर थे किस पर, भगवान के भरोसे, कि अगर जो है कभी कभी हुआ क्या, बारिश नहीं हुई, फसलें सूखा पड़ गया, लोग मरने लगे, बहुत बार ऐसा हुआ है, अकाल पड़ा है बहुत भयंकर भयंकर, आजादी के समय ही अकाल पड़ा है हम पर। आप चाइना के युद्ध के बाद देख लो, बहुत भयंकर त्रासदी आई थी, ऐसी ही चीजें बहुत कुछ है, ठीक है, भारत में तब क्या था, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की बहुत ही ज्यादा कमी थी। अब देखिए जब 1947 की बात है, आजादी हमें मिली, उस आजादी के दौरान क्या था, हमारी सरकार आ गई तो हम जोश में थे कि हम अपने को मजबूत बनाएंगे, मजबूत बनाने के लिए हमने कुछ अपने लक्ष्य साधे, उन लक्ष्यों में क्या क्या था, पहली चीज ये आई कि विकास के लिए मुख्य जोर हमने दिया कृषि पर, उद्योग पर, संचार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और संबंधित क्षेत्रों पर हमने जोर दिया कि हम इतनी चीजों को मजबूत करेंगे और स्वतंत्र भारत की जो नींव होगी यह एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर होगी, लोगों की जितनी जरूरतें हैं उनको पूरी करने के तौर पर। बाद में क्या हुआ, जब हमें कुछ समझ में आया कि भारत की वर्तमान दौर की चुनौतियां क्या हैं, उस दौरान हमने क्या किया, यह समझने पर कि त्वरित विकास केवल तभी संभव है,
हम में क्या है, हमारी सरकार आ गई, हम योजना चला लेंगे और हम भारत को कहां से यहां से उठा के यहां खड़ी कर देंगे। लेकिन बाद में हकीकत पता चली, इतने बड़े देश में कोई भी छड़ी घुमाने से कार्य नहीं हो सकता। अब क्या किया गया, जब हमें यह समझ में आया कि भैया त्वरित विकास अगर हमें करना है भारत का, तो यह केवल तभी संभव है, ठीक है, जब सरकारी प्रयासों के साथ साथ पर्याप्त रूप से जमीनी स्तर पर लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी हो, ठीक है, और सोच हमारी बदल गई। हमें यह पता चल गया कि हम विकास को, गांवों को मजबूत तभी कर पाएंगे जब एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अगर उसमें भाग ले सरकार की योजनाओं में, या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो, लेकिन भागीदारी को हमें क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब भागीदारी की सुनिश्चितता की बात आई तो गवर्नमेंट ने नई स्कीमों को फिर से अडॉप्ट किया, फिर से ग्रहण किया। अब आगे बढ़ते हैं इसी चीजों पर, उसके बाद क्या होता है, इनके बाद अगर देखें तो कुछ चीजें आपकी और आई, फिर ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ कार्यक्रम। आज ये थोड़ी सी मैं रूपरेखा सिर्फ बता रहा हूं, है बहुत कुछ, बहुत व्यापक बताऊंगा आगे के लेक्चर में, ठीक है। आज सिर्फ आपको अच्छे से समझना है, इस लेक्चर को बहुत कंसंट्रेट होकर देखिए, क्योंकि मैंने सारी चीजों का निचोड़ एक जगह लाए रखा है, ताकि आपको पूरे भूभाग जितना कुछ पढ़ाना है उन सभी से आज मेरा प्रयास है कि आपको रूबरू करा दूं। तो उसके लिए आपको बहुत कंसंट्रेट माइंड से के साथ इसको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, ग्रामीण विकास जो विभाग है, एक मंत्रालय भी वर्तमान में है, द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों को शामिल अभी नहीं किया है, वो चीजें आपको क्यों, क्योंकि जब मैं आपको व्यापक तौर पर पढ़ाऊंगा तो उन सारे कार्यक्रमों को एक साथ पढ़ाऊंगा। देखिए, अभी मैं आपसे बात करूं कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे, आप जानते भी हैं, रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको आप मनरेगा के तौर पर जानते हो, ये रोजगार के लिए है गांव में। दूसरी बात करते हैं स्वरोजगार, यानी स्वयं से गांव का व्यक्ति कोई रोजगार पैदा कर ले जाए, तो स्वरोजगार और कौशल विकास, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ कौशल होता है, क्षमता होता है, इनके विकास के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, जिसको आप बोलते हैं NRLM, यह योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आगे बढ़ें, गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार चलते हैं, इस समय जीवन यापन कर रहे, इनको आवास देने के लिए गवर्नमेंट एक योजना चला रही है, इंदिरा आवास योजना, जिसको IAY के नाम से आप जानते हैं, इंदिरा आवास योजना। यह आवास के लिए हो गया क्योंकि हमें समाज को ध्यान रखना है, समझे। आगे बढ़ लेते हैं इसी के बाद, अगली चीजें अगर आप देखें कि हर एक, अगर गांव है और गांव को क्या करना पड़ेगा, गांव तभी आपका विकासशील होगा, गांव की हर एक चीजें जो फसल तैयार होंगी, वह फसल सड़क कब शहरों में पहुंचेंगी, जहां किसान को उचित दाम मिलेगा, वह तब पहुंचेगा जब एक, हर एक गांव का एक मुख्यालय से जुड़ेगा। इसी के लिए सरकार ने एक योजना चलाई और गांवों के विकास से संबंधित एक योजना आई कि अच्छी सड़कें बनानी है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई, PMGSY योजना के तौर पर, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। हर जगह गांव में आप जाते हैं तो बोर्ड लगा होता है, ठीक है, और वहां यह स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर यह सड़क यहां से यहां तक बनाई गई, ठीक है, वहां स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। यह क्यों है, क्योंकि गांवों का अगर आर्थिक विकास करना है तो गांवों को हर एक मुख्यालय से जोड़ने की योजना बनाई गई थी, ठीक है। इन सभी पर बहुत व्यापक परिचर्चा होनी है, आगे बहुत कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है, इसीलिए बहुत कंसंट्रेट होकर सारे लेक्चर्स को देखते रहिए, सारी आपकी दुविधा है सब कुछ खत्म हो जाएगी। सामाजिक पेंशन के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया गया था, इसके बारे में, इसको NSAP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, NSAP चलाया गया, क्यों, क्योंकि सामाजिक पेंशन, मैंने बताया नहीं कि समाज में हर एक व्यक्ति के दायित्व और अधिकार दोनों को लाना है, तो समाज में गवर्नमेंट अगर बनी है, समाज ने एक सरकार का निर्माण किया है, क्योंकि मैंने पॉलिटी का सबसे पहला जब आपको लेक्चर शुरू किया था, आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 पढ़ते हो तो इसमें एक राज्य क्या है, राज्य के लिए भी परिभाषा है। समाज में हर एक व्यक्ति को अधिकार तभी मिलेगा जब उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो यहां पर आपको गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमों के अंतर्गत क्या करती है, बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की चल रही और उनके अंतर्गत आपको उनका लाभ दिया जाता, तो उससे पहले गवर्नमेंट आपसे कुछ लेती भी है, क्यों भूल जाते हैं। देखिए, अगली अगर योजना की बात करें तो अगली योजना अभी वर्तमान
अगर उसमें देखेंगे आप समय में परिपेक्ष में, तो ये की योजना आदर्श ग्रामों के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना चल रही है, ठीक है। सांसद जो को गोद लेने की भी योजनाएं चल रही है, सांसद ग्रामों को गोद लेते हैं, ठीक है। तो ये सब योजनाएं सरकार के द्वारा बहुत सारी चलाई गई। एक आध योजना अगर आप और देखना चाहें तो उसमें योजना भी आपकी है, जैसे ये तो जानते ही होंगे ग्रामीण विकास केंद्रों के लिए एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल जो है रर्बन योजना चली है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य चीजों पर अगर हम बात करें तो जो मंत्रालय है आपका, मंत्रालय के पास ग्रामीण पदाधिकारियों की क्षमता के विकास, सूचना शिक्षा और संचार और निगरानी व मूल्यांकन के लिए भी योजनाएं तमाम बनी है। तो अब आप ग्रामीण विकास के कुछ बिंदुओं को समझ पाए होंगे कि सरकार किसके लिए क्या कर रही है, समाज के लिए क्या कर रही है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार उसके लिए क्या कार्य करती है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और मैं इस चीज को व्यापक कर रहा हूं, वहां समझिए थोड़ी सी और जो है बिंदु आपके सामने आएगा, इसमें समझिए। देखिए मैंने जो चीजें आपसे बोली वो क्या बोली कि भारत जो है गांव का देश है, यानी भारत ग्राम प्रधान देश है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। अगर हम गांवों का विकास ना करें और सोचे भारत एक क्या होगा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, तो उसके लिए भैया क्या करना पड़ेगा, गांवों को मजबूत करना पड़ेगा। अगर गांव मजबूत है तभी राष्ट्रीय विकास आपका संभव होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी बात करें सबसे पहले, तो हमारे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नेताओं की यही मान्यता थी क्या कि भारत बिना जो है गांव के विकास के कोई भी राष्ट्रीय विकास को हासिल नहीं कर सकता, समझे। भारत बिना जो है गांव के विकास के, ग्रामीण विकास के, इन सारी शक्तियों को पा नहीं सकता जिसके संदर्भ में हमें वर्तमान में सरकार चलानी है, सरकार योजनाओं को चलाएगी। दूसरी बात, वास्तव में था क्या स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ आपका 1857 की बात कर लो, ठीक है 1857 की बात कर लो, तो जो स्वतंत्रता संग्राम रहा 1857 का उसमें क्या था, उसका एक आधार यह भी था कि ब्रिटिश राज के दौरान जो ग्रामीण अपना भारत था, ब्रिटिश राज के दौरान ग्रामीण भारत की अनदेखी की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ग्रामीण पर जोर नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ लेना जान रहे थे, उनसे जबरदस्ती टैक्स लेना जान रहे थे, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी उनकी योजनाएं, आप काश्तकारी महलवाड़ी इन सभी के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि अंग्रेज वास्तव में कर क्या रहे थे। देखिए दूसरी बात, महात्मा गांधी ने तो ग्राम स्वराज को ही स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु के रूप में देखा था। गांधी जी का हमेशा क्या एक योगदान रहा, ये गांवों पर बहुत जोर देते थे, क्यों, क्योंकि ग्रामीण विकास बिना राष्ट्रीय विकास आपका संभव नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, और इन्हीं सारी चीजों को आप देख भी रहे होंगे जब वर्तमान में संविधान आप पढ़ते हैं, ठीक है। जब मैं उस चीज को पढ़ा रहा हूं तो वहां पर मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र भी करता हूं। प्रस्तावना में जो चीजें मैंने यहां बताई कि हमारा आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और इन सभी के लिए, वो प्रस्तावना में भी आपको दिखेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया, देखो अगर वर्तमान में देखें, आज देश स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के बाद बहुत सारी चीजें बीत चुकी हैं, फिर भी हम कहां बैठे हैं, फिर भी जो महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण विकास का आह्वान किया उसको लेकर आज भी बहुत सारी चीजें करनी हमें बाकी है। भैया गांधी जी के द्वारा जो कुछ बताया गया, सरकारों के लिए उन्होंने जो कुछ कहा कि हमें ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए, आज बहुत कुछ बाकी है, नहीं लागू हो पाया, क्यों नहीं। देखो तेजी से इस समय शहरीकरण हमारे यहां चल रहा है, बहुत तेजी से आप देखते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश जो आपका विकास प्राधिकरण है उसके बारे में भी मैं परिचर्चा करूंगा, ठीक है। जो कृषि की जमीनें रही सब कुछ शहरों में तब्दील हो रही, हर जगह मतलब कृषि की जमीनें घट रही हैं, और यह चीजें चिंताजनक है। हर एक व्यक्ति शहर की ओर भाग रहा, अभी लॉकडाउन हुआ सभी को शहर की वास्तविकता मालूम चल गई कि अगर रोजगार छिन गया, ठीक है, तो क्या होगा। आगे बात करते हैं, इसके बाद शहरीकरण के बावजूद अगर हम देखें जो हमारी जनसंख्या है, चलिए दूसरी बात, अगर प्रतिशत के हिसाब से भी ये हो सकता है कि ग्रामीण जो हमारी जनसंख्या है इसमें कुछ कमी आई हो, लेकिन आर्थिक विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है, इनके लिए ग्रामीणों की कुल संख्या अब भी काफी है, जितने कार्यक्रम चल रहे, यानी वो वर्तमान में हमें और सारी चीजों पर फोकस होने की जरूरत है,
हमें मतलब सरकार को। दूसरी बात, इनके आगे अगर हम आपसे बात करें तो उसमें क्या समझना है आपको, अगली चीज यह है जो ग्रामीण विकास का आपका मुद्दा है, ग्रामीण विकास हमेशा किसके साथ जोड़ा जाता है, ग्रामीण विकास हमेशा जोड़ा जाता है कृषि के साथ, क्योंकि भाई गांव वाले हम तो हम खेती किसानी ही तो करेंगे, वहीं फसल अपनी बेचेंगे तभी तो हमें दो पैसे का लाभ मिलेगा। अब कृषि से संबंधित जितनी चुनौतियां आती हैं हमें खेती करने में, उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें सरकार का भी सहयोग चाहिए। इस समय वर्तमान में देख रहे हमें अच्छे क्या चाहिए, बीज चाहिए, समय पर पानी चाहिए, पानी के लिए सरकार का भी योगदान चाहिए, नहरें चाहिए, हर एक चीजें चाहिए, ठीक है। उसमें तमाम खरपतवार होते हैं, अच्छी अच्छी हमेशा क्या होती है, बारिश समय पर नहीं हुई तो सिंचाई भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता। तो एक चीज आप तो यह स्पष्ट हो गई कि अगर ग्रामीण विकास पढ़ना है तो हमेशा कृषि से सवाल होंगे, मतलब इसमें जो लेखपाल में आपका पूछेगा वहां पर ग्रामीण विकास अगर आपको वहां मतलब जो इसका 25 क्वेश्चन आएगा उस 25 क्वेश्चन में कृषि की भरमार होगी, इसीलिए मैं कृषि के अलग से चैप्टर यहां शामिल किया हूं आपके। आज ये सिर्फ पृष्ठभूमि हो, इसको समझते जाना है आपको, यानी आपका दिमाग चारों डायमेंशन को जब कवर कर लेगा तो उसके बाद जो कुछ यहां पर चर्चा होगी वह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ग्रामीण विकास को हमेशा कृषि के विकास के साथ ही जोड़ा गया, तो हमें कृषि के विकास को पढ़ना बहुत जरूरी होगा। आगे मैं इसको विधिवत बताऊंगा, और यह मान भी लिया गया कि कृषि उत्पादन में जो वृद्धि होगी, वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आ जाएगी, ऐसा मान के चला जाता है। और जब ऐसा माना गया तो बात थी स्वतंत्रता प्राप्ति के एक दशक बाद की। उस दौरान क्या हुआ, वैचारिक परिवर्तन शुरू हुए, सभी लोग विचार विमर्श करने लगे कि भैया भारत में गांवों के विकास को लेकर क्या क्या शुरू किया जाए। और जब वैचारिक परिवर्तन हुए तो जो अधिक अन्न उपजाओ, यह एक जांच समिति भी बनी थी, ठीक है, अधिक अन्न उपजाओ, इस समिति ने क्या किया, केवल कृषि या कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे पशुपालन आदि को ही नहीं, इसके साथ ही साथ ग्रामीणों के लिए इन्होंने कहा कि भैया शिक्षा की व्यवस्था करो, स्वास्थ्य अच्छा करिए, और अन्य सामाजिक आर्थिक जरूरतों के समन्वित कार्यक्रम को भी बढ़ावा दीजिए, क्योंकि ग्रामीण जब स्वस्थ होगा, हर एक गांव का जो है व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी तो हर एक चीजों में उसका योगदान होगा। गांव वाले पहले बहुत ज्यादा जो है निरक्षर होते थे, तो उनके द्वारा सरकार के द्वारा चलाई गई हर एक चीजों के बारे में वो नहीं जानते थे, तो इसके लिए शिक्षा पर जोर दिया गया, प्रौढ़ों की शिक्षा से संबंधित सरकार की बहुत योजनाएं रही जो कुछ गांव में चलाई गई। इन सभी का उद्देश्य क्या रहा कि जब लोग शिक्षित होंगे तो सरकार की हर एक योजना को बहुत अच्छे से जानेंगे और उसका प्रयोग वह अपने आर्थिक विकास में करेंगे, जिससे कि गांव का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक चीज आई थी सभी के समक्ष, वो क्या था, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं बहुत बार, ये चला था, ठीक है। आज मैं थोड़ी सी परिचर्चा इस पर इसलिए करूंगा क्योंकि ये थोड़ा इसके डायमेंशन जो हैं, मतलब किन किन क्षेत्रों में ये चीजों को बढ़ाई गई, क्योंकि अब आप ये समझ गए ना कि गांवों का विकास अगर करना है तो लोगों की शिक्षा का विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, केवल कृषि से ही सारी चीजें ना हो कि हमने नहरें खुदवा दी, हमने जो है क्या किया कृषि के लिए SYB बीज जो है सीड्स ला दिए तो अब जो है गांवों का विकास हो गया, ये नारा तो वहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको जमीनी आधार पर कार्य करना है। गांव वाला व्यक्ति कोई बीमार होता है तो उसके लिए कम से कम स्वास्थ्य केंद्र तो हो, पता चले वो बीमार हो गया तो। गांव में पहले क्या होती थी, महामारी एक तरफ से गुजरी गांव साफ हुआ है भैया, ऐसी ऐसी महामारियां फैली है कि एक तरफ से गुजरती थी तो पूरा का पूरा गांव साफ, दो चार गांव साफ हो जाते थे आसपास के। तो उन सारी चीजों को समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम इन्हीं सबको देखते हुए चलाया गया था। अब इसको थोड़ा सा समझोगे तो और चीजें समझ में आएंगी। क्या जो ये सामुदायिक विकास आपका कार्यक्रम है और राष्ट्रीय विस्तार योजना है, दो चीजों को एक साथ लगेगा, इसी सिफारिश के तहत शुरू किए गए थे। किसके, कि गांव में लोगों का शिक्षा स्वास्थ्य सभी मुद्दों पर क्या करना चाहिए, विकास होना चाहिए। जब इसकी सिफारिश हुई, जो जांच समिति बनी थी, ठीक है, अधिक अन्न उपजाओ, उसकी सिफारिश के उपरांत क्या हुआ, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहा और राष्ट्रीय विस्तार योजना रही, इन दोनों को प्रारंभ किया गया।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया, 100 से 120 गांवों का एक ब्लॉक योजना बनाई गई, 100 से लेकर 120 गांवों की एक ब्लॉक योजना बनाई गई, और साथ ही साथ क्या हुआ, समन्वित ग्राम विकास की मूल इकाई बना दिया गया ब्लॉक को। आज भी ब्लॉक आपका क्या है, हर एक केंद्र वही होता है, सारा काम जो विकास का होता है सब कुछ ब्लॉक से होता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, कृषि और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, समाज कल्याण हो गया, संचार हो गया, अनुपूरक रोजगार हो गया, यह सब कुछ भी व्यवस्था कहां पर हुई, आपके ब्लॉकों पर की गई, ठीक है। इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, और स्वावलंबन यानी स्वयं पर आश्रित होना, इसकी भी योजनाएं चलती है ब्लॉक स्तर, बहुत सारे कार्य करता है, स्वयं सहायता समूह, तमाम ऐसे कार्य हैं जो ब्लॉक स्तर पर किए जाते हैं, इनके बारे में आगे आपको मालूम होगा। और आम आदमी की जरूरतों से संबंधित तमाम ऐसे कार्य थे जिनको ब्लॉक स्तर पर जो है बहुत अच्छे से जो है प्रारंभ किया गया। दूसरी बात, ये जो कार्यक्रम आपका लागू चला सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको लागू करने की जो जिम्मेदारी थी या ब्लॉक विकास अधिकारी की थी, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट जो अधिकारी होता है, बीडीओ जिसको आप जानते हो, ठीक है, पीसीएस अपर से जो लोग बन के जाते हैं, बीडीओ जो होता है, ठीक है, उसकी यह पूरी जिम्मेदारी होती है कि ब्लॉक स्तर पर सारे विकास के कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से निगरानी में रखना और चलाना। दूसरी बात क्या आती है, उसकी मदद के लिए अलग अलग विभागों के तकनीकी अधिकारी और ग्राम सेवक सेविकाएं होती हैं, और इस जो कार्यक्रम के तहत है, ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत दो तीन चीजें चलाई जाती, एक तो आपका क्या होता है राज्य स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर भी संगठन बनाए जाते हैं, ये ब्लॉक से संबंधित गांवों से संबंधित है लेकिन इसको ऊपर तक भी पहुंचाया जाता है ताकि हर एक चीजें इंटरकनेक्टेड रहे। दूसरी बात, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के जो संसाधन है और मानव संसाधनों का भरपूर विकास करना, साथ ही साथ जो स्थानीय नेतृत्व हो और स्वशासित संस्थान हो यानी जिन पर स्वयं का अधिकार हो, इनका विकास करना ताकि ग्रामीण लोग अपने बलबूते पर स्वयं के विकास में अपने आप को मजबूत कर सके, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य था। पूछता है भैया, ठीक है, इसकी शुरुआत भी पूछता है, ये आपके ही पेपर में आएगा, इसलिए इस पॉइंट को मैंने उठाया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, जो ग्रामीण आपका ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहा, ये गांव के लोगों को अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने में, सुधारने में ही किया गया एक प्रयास था। इस कार्यक्रम की अगर हम शुरुआत देखें तो शुरुआत इसकी बड़ी अच्छी गई, इसके परिणाम स्वरूप देश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यवहारिक ढांचागत बुनियाद तैयार हो गई, यानी गांव का विकास कैसा होना है इसके लिए सब कुछ अब यहां पर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया। जैसा कि यानी कार्यक्रम जो गवर्नमेंट आपकी चलाती थी उसके साथ भी होता था, इस कार्यक्रम की सफलता का जो पैमाना रहा यह हर राज्य में अलग अलग रहा, ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य एक साथ ही उसी ग्रोथ को पा जाए, हर जगह यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हो, ऐसी बात नहीं है। ध्यान देना है आपको यह है कि इस जो कार्यक्रम की शुरुआत रही, इस कार्यक्रम की शुरुआत के 17 बरस बाद 1969 में, ठीक है, इस कार्यक्रम के 17 बरस बाद, तो आप जान गए होंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, इस कार्यक्रम के जो है शुरुआत के 17 बरस बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपने का फैसला किया। शुरुआत में किसने चलाया, केंद्र सरकार ने, उसके बाद जिम्मेदारी दे दी राज्य सरकार ने, ठीक, और इसी के साथ शुरू हुआ इसका पतन और धीरे धीरे इसकी मौत हो गई, क्योंकि जब सरकारों में यह चीजें आई तो वहां पर चीजें बदल गई। आगे बढ़ते हैं, और चीजें हैं इसके लिए अगर जिम्मेदार तथ्य देखा जाए क्या क्या चीजें थी, यही भी एक तथ्य था कि जो ग्रामीण विकास के लिए समन्वित कार्य थे इनमें धीरे धीरे ढिलाई आती गई, यानी हर एक व्यक्ति उतना गंभीर नहीं रहा। ग्रामीण उद्योगों से जुड़े सभी कार्य, खादी और ग्रामोद्योग, ये तो जानते ही होंगे, एक आयोग था, ठीक है, केवीआईसी जिसको बोलते हैं, को दे दिया गया, और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की बढ़ती जरूरत को देखते हुए सारा ध्यान किधर लाया गया, कृषि उत्पादन, ठीक है, सारा का सारा ध्यान कृषि उत्पादन बढ़ाने में लगा दिया गया, और अन्य जो गतिविधियों की अनदेखी शुरू हो गई, परिणाम स्वरूप 1960 की बात है,
कब की 1960 की, कुछ चुने हुए जिलों में सघन कृषि विकास कार्यक्रम, ये याद होगा, सघन कृषि विकास कार्यक्रम पूछता है कब शुरुआत की गई, 1960 की बात है उसमें शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में IADP इसको बोलते हैं, जो सघन कृषि विकास कार्यक्रम रहा। इसके बाद की बात है 1965 की, 1965 में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम आया, ठीक है, इसको और अधिक व्यापक तौर पर उपज कृषि का जो है कृषि जो कार्यक्रम रहा, जिसको मैं बार बार जिक्र करता हूं HYBP, इसको शुरू किया गया, ठीक है। अब पैदावार बढ़ाने पर हम केंद्रित हो गए, जितने बिंदु चल रही है सभी पूछा जाएगा, कृषि से ही है, इसलिए इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान करना है, नोट्स में हालांकि सब कुछ है, परेशान नहीं होना है। अगली चीज क्या है, 1985 की बात है, 1985 की बात है, एक आपको याद होगा, इसके बारे में मैंने बताया भी है, यह समिति आपकी वैसे भी पूछ लेता है, GVK राव समिति, ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि नए कार्यक्रमों की वजह से जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पकड़ है यह ढीली पड़ती गई है, जितनी नई योजनाएं चली और बजट में कमी आने के साथ साथ यह पूरी तरह छिन्न भिन्न होने लगी, ठीक है। अब क्या किया गया, दूसरा जो हरित क्रांति रही, दूसरी हरित क्रांति, ये सबसे ज्यादा फायदा किसको दी थी, दूसरी हरित क्रांति सबसे ज्यादा फायदा किसको दी थी, यह किसानों और उन क्षेत्रों को हुआ जिन्हें उपज बढ़ाने वाली किस्मों की तकनीक उपलब्ध हो सकी। ऐसा नहीं कि हर एक जगह पर यह बहुत ज्यादा आपकी फायदेमंद रही, पूछता है आपसे कि किन राज्यों को सबसे ज्यादा जो है इसका फायदा मिला, तो जहां तकनीक ज्यादा थी वहां पर आपका हरित क्रांति बहुत ज्यादा सफल हुआ। ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो गरीब था, जो इसका लाभ नहीं जिन्हें मिल सका, वह ग्रामीण विकास का मूल उद्देश्य हमारा अधूरा रह गया, ग्रामीण विकास का हमारा मूल उद्देश्य अधूरा रह गया। अब ये सारी हमारे लिए चुनौतियां भी आई। अब नई योजनाओं के बारे में अगर देखा जाए, ये तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के बारे में बात हो गई, जो जो चीजें चली, नई योजनाएं, इसमें मैंने बहुत सारी योजनाओं को अभी शामिल नहीं किया है। वर्तमान में 1970 के दशक से अगर देखा जाए, शुरू में सरकार के स्तर पर यह महसूस कर लिया गया कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, ठीक है, यह उद्देश्य आपका कैसा था, केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं होना चाहिए, अब गवर्नमेंट भी यह समझ गई, कब, 1970 में, 47 से लेकर शुरू करें हम, 50 मान लें जब सरकार आ गई, 51 मान लो कि सारा गठन हो गया सरकार का, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित पहल भी सरकार ने कर दी, उसके बाद 70 में सरकार को समझ में आया कि ग्रामीण विकास का सिर्फ आशय यह ना हो कि हमें सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाना, बल्कि ग्रामीण लोगों की अन्य सामाजिक आर्थिक जरूरतों पर भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम फिर से शुरू करने के बजाय नई योजनाएं शुरू कर दी गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, नई नई योजनाओं को शुरुआत किया, उस विकास कार्यक्रम को नहीं, इसमें यूनिसेफ से भी हमें मदद मिली थी, ठीक है, यूनिसेफ की मदद से व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, पूछता है कि भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम किसकी पहल से शुरुआत की गई थी, तो यूनिसेफ की पहल से शुरुआत की गई। बहुत सारे प्रश्नों के सीधे सीधे जवाब यहीं से मिल जाएंगे आपको, आप पेपर उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब यहीं से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए विकास खंडों में ग्रामीणों के पोषण स्तर को सुधारना और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, टीकाकरण, पेयजल, अब यहां टीकाकरण भी आ गया, तो टीकाकरण भी हमें क्या करना होगा, देखना होगा, साथ ही साथ पेयजल और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना था, ये यूनिसेफ के मानक थे जिन पर भारत को कार्य करना था। अब इसके बाद क्या बातें आई यूनिसेफ में, और चीजों को अगर देखें, ग्रामीण रोजगार एक आपकी क्रैश योजना भी आई थी, ये पायलट जो है प्रोजेक्ट के तौर पर आया था। दूसरी चीजें क्या थी, एक सघन ग्रामीण रोजगार योजना भी आई थी, सघन ग्रामीण रोजगार योजना PIREP, और काम के बदले अनाज, ये पूछता है काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरुआत किए गए, ये सब यूनिसेफ के रिकमेंडेशन जब आई तो उसके बाद सब कुछ भारत में बड़े स्तर पर नई योजनाएं शुरू की गई। अब जिनका जो उद्देश्य रहा या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था, सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम एक प्रारंभ किया गया, जिसको
डीपीएपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो रेगिस्तान वाले कार्यक्रम रहे तो उनको रेगिस्तान विकास कार्यक्रम नाम दिया गया, ठीक है। डीडीपी भी शुरू किया गया, जिनका उद्देश्य पारिस्थितिकी असंतुलन दूर करना था, यानी जहां पर ऐसे सिस्टम मिल रहे इन सभी को समाप्त करके वहां पर जो जमीनें हैं उन सभी को क्या करना था, कृषि योग्य बनाना था। आगे ध्यान दें, अगली चीज है, इसके अलावा जो जनजातीय आपके क्षेत्र थे और पहाड़ी इलाके थे इनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। यही नहीं, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर भी कुछ राज्यों में संपूर्ण ग्राम विकास, समझिए यहां, संपूर्ण ग्राम विकास योजना शुरू की गई थी, ठीक है। ये लेकिन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में था, इस चीज को याद रखिएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य बनाया गया, ठीक है, या मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण विकास के आपके कार्यक्रम हैं इनके जरिए आय संबंधी असमानता को दूर करने का सामाजिक उद्देश्य हासिल। अब फिर से सामाजिक उद्देश्य, समाज में क्या आय संबंधी आर्थिक असमानता दूर करना चाहिए? बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व को उठाओगे तब भी तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं, और जो आपके ग्रामीण समुदायों में रोजगार के अवसर बढ़ाना था, इस प्रकार 1952 में जो शुरू हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1975 में शुरू हुआ संपूर्ण विकास कार्यक्रम, दोनों को याद कर लीजिएगा। 52 की बात है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 75 की बात है संपूर्ण विकास जो है ग्राम विकास कार्यक्रम। इन दोनों में चीजें क्या आई, इन दोनों के बाद भी एक बार यह महसूस किया गया कि ग्रामीण विकास का जो वांछित आपका, ठीक है, लक्ष्य है, एक समन्वित कार्यक्रम के जरिए फिर भी हासिल किया जा सकता है। ऐसी चीजें हमको समझ में आ गई। अब जब ये चीजें आ गई तो उसके बाद एक फिर से चीजें बनाई गई, एक नई योजना आपकी विकसित की गई। वह योजना क्या थी? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम फिर से चलाया गया। जब सब कुछ सरकार को समझ में आ गया तो एक योजना फिर से चलती है जिसका नाम क्या दिया गया, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। और यह जो योजना रही ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अब मुख्य फोकस किस पर सरकार पर आ गई, ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने पर आ गई। पहले क्या चीजें थी, पहले लक्ष्य था कृषि उत्पादन बढ़ाओ, कृषि उत्पादन बढ़ाओ, लेकिन चीजें अब यहां पर बदलने लगी। ये जो नया कार्यक्रम आया लेकिन ग्रामीण विकास के लिए चलाए तो हम, लेकिन इसमें कुछ महसूस यह किया गया कि धारणा की जो दृष्टि रही यहां पर, ठीक है, ग्रामीण विकास धारणा की जो दृष्टि रही उससे अगर देखोगे तो 1950 के दशक में जो शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहा उससे यह अलग कुछ भी नहीं था, उससे यह अलग कुछ नहीं था। लेकिन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू होने पर जो पहले से चल रही योजनाएं बंद नहीं की गवर्नमेंट ने, यही अच्छा किया, ये सभी जारी रही और कुछ अन्य भी इनसे जुड़ गई। काम के बदले भोजन, पहले क्या था, काम के बदले अनाज, काम के बदले भोजन कार्यक्रम पुनः परिभाषित किया गया और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जिसको आप NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत पुनर्गठित करके शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन जो परिवार है, यानी ऐसे परिवार जिनके पास जमीनें नहीं है, के एक सदस्य को कम से कम क्या करना, 100 दिन का रोजगार देना। और ट्राइसेम के तहत, इसके बारे में जानते हैं, ग्रामीण युवाओं को उत्पाद कुशलता सिखाना था, ठीक है। यह जो है ग्रामीण युवकों के विकास हेतु चलाई गई एक योजना थी कि ग्रामीण विकास युवकों के कौशल को कैसे चीजें डेवलप किया जाए, यह उनसे संबंधित ट्राइसेम योजना रही। उसके साथ ही साथ आगे बढ़े अगर हम, ठीक है, जो ग्रामीण विकास आपका कार्य का कार्य था या कृषि मंत्रालय से हटा लिया गया, पहले किसको था, कृषि मंत्रालय को था, उसके बाद 1979 में ग्रामीण पुनर्निर्माण नाम का एक अलग मंत्रालय बनाया गया, कौन सा, 1979 में ग्रामीण पुनर्निर्माण नाम का। और इस तरह तत्कालीन सरकार की ग्रामीण क्षेत्र के विकास की प्राथमिकताएं सामने आने लगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये जो आपका था मंत्रालय, इसको एक और नया नाम, इसके कार्य को व्यापक देने के लिए कुछ और बदलाव सरकार ने किए थे, ठीक है। सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए और एक चीज और याद रखना, बात है राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1975-76 की बात है, विभिन्न परिवारों की आय के बारे में एक क्या किया गया, अध्ययन किया गया। और जब अध्ययन हुआ तो उसके बाद जो चीजें गवर्नमेंट ने चलाई थी नई स्कीमें, इस पर और ज्यादा इसको बल मिला। क्या इस अध्ययन में यह बताया गया कि हरित क्रांति के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र की तुलना में निर्धन ही हैं,
तो जिसके लिए सब कुछ कार्य किया गया, कृषि उत्पाद बढ़ा लो, कृषि उत्पादकता बढ़ा लो, उससे हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। अब क्या बढ़ते हैं, अगली चीज, ये जो चीजें जितनी चलाई गई, ठीक है, ये तब की बात है जो शोध किया गया था, ठीक है, वर्तमान में इन सारी चीजों से नहीं पूछेगा, इसलिए आपको वर्तमान जगत में सारी चीजें बात करनी होगी, इसको ध्यान दे लीजिएगा स्पष्ट रूप से सारी चीजों को, कि नोट्स में मैंने लिख दिया है, वर्तमान जगत के बारे में पूछेगा तो उसको मैं व्यापक तौर पर बताऊंगा। ध्यान दें, जो ये पृष्ठभूमि रही कि गांव में जो ग्रामीण मतलब आपकी जनसंख्या है उसकी आय की असमानता और शहरों की ग्रामीण जो है जनसंख्या के साथ जब तुलना किया गया तो गांवों के जीवन स्तर में बहुत कमी दिखाई पड़ी। इस कमी की वजह से अपनी जो गतिविधियां थी मंत्रालय ने इसके विस्तार की मांग की और ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऋण आदि को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसे ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़क, ग्राम और कुटीर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र से संबद्ध जो कस्बे हैं, गांव की आयोजना का ही दायित्व दिया गया। मतलब मंत्रालय ने कहा हमें यह सब दें, लेकिन वो नहीं रहा, जो ग्रामीण स्वास्थ्य आपका आता है, इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण है, इनमें मंत्रालय को आंशिक दायित्व तो सौंपा गया। 1985 के बाद ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मुक्त संबंधी जो प्रशासनिक आपके प्रबंध रहे इनकी समीक्षा के लिए 1985 की बात है, ये मैंने बताया भी आपको, ठीक है, जीवीकेपी, ठीक है, जीवीके राव समिति की स्थापना की गई थी, किसके लिए पूछता है, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा के लिए। यह समिति ने क्या पाया कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के गठन और एकीकृत ग्रामीण विकास के तहत विकास खंडों को मजबूत बनाने से अपेक्षित एकीकरण नहीं हो पाया। बाद में बहुत सारी चीजें इसमें आई जहां पर यह सारी चीजें आपको चलती रही, तरह तरह की बहुत सारी, लेकिन अंत की बात की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जहां पर ग्रामीण भारत में और क्या चीजें ये आई। देखो जितने कार्यक्रम सरकार ने चलाए उसमें सबसे अहम क्या निकल के आया, वर्तमान का अगर आप सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देखोगे तो एक चीजें आपकी समझ में आएंगी कि लोगों में उनके कल्याण के लिए जितने कार्यक्रम चलाए गए इनके बारे में जागरूकता पैदा करना ही क्या है, मूल आधार बनाना चाहिए। इसलिए आज वर्तमान दशा में देख लो जितनी आपकी योजनाएं चल रही इसमें इन योजनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रचार प्रसार गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते, ताकि हर एक व्यक्ति, मैंने क्या बताया कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी आया था, जब गांव के व्यक्ति थोड़ा साक्षर होंगे, हर एक बातों के बारे में जानेंगे, तभी तो वो हर एक योजनाओं के लाभ के बारे में जानेंगे। तो वर्तमान चीजों पर बहुत व्यापक आपको समझना है, आज आपकी बहुत सारी चीजों को मैंने यहां स्पष्ट कर दिया है कि किनके परिपेक्ष आपको पढ़ाई करनी है। वैसे ही ये चीजें सिर्फ आपकी क्या थी, ये चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आज सब कुछ शुरू किया था। इसके बाद भी अब आपका मूल जो आपका होगा, एक एक जितनी चीजें इसमें मैंने बताई हैं उनको अब मैंने पार्ट बाय डिवाइड किया है, यानी हर एक लेक्चर पर पूरा फोकस होगा कि एक लेक्चर पर एक पॉइंट को मैं उठाऊंगा और संपूर्ण उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। ये तो आपको पृष्ठभूमि समझाने के लिए मैंने सब कुछ किया था कि आप पृष्ठभूमि समझ जाओ, नहीं तो वहां पर चीजें शुरू होती तो आप आज कम से कम आप जान तो गए कि ग्रामीण विकास से संबंधित गवर्नमेंट का योगदान क्या क्या है, कौन सी योजना कब आई, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था, इन सभी के बारे में आपको समझ आ गया। अब जब मैं किसी भी छोटे मुद्दे को बताऊंगा तो आपकी सीधी सीधी चीजें जो है वहां से कनेक्ट हो जाएंगी और आपको समझने में आसानी होगी। दूसरी बात, इनमें जितनी चीजें रही आज भी आयोजना, मैं बार बार कहता हूं कि जितनी जो आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना उठा के देख लो, इसके दस्तावेज में कार्यक्रमों की अधिकता और संगठन जो आपका संगठन बनना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन हमने बहुत बना दिए, बहुत संरचना बन गई, इनकी विविधता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया और समूचे ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। कब? सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो हर एक पंचवर्षीय योजना को भी मैं पढ़ाऊंगा, किसमें कृषि से संबंधित विशेष कार्य किए गए उनके बारे में भी मुझे बात करनी है आपसे, ठीक है, लेकिन वह सब आने वाले जो है लेक्चर में पूरा समाहित किया गया है। और इन योजनाओं को सरल एवं युक्त संगत बनाया जा सके, उनमें आवृत्ति कम की जा सके और स्थानीय स्तर पर समानांतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके, यह सारी चीजें किसमें रखी गई, ये सारे फोकस रहे हमारे ग्रामीण विकास और उनसे संबंधित बातों के बारे में। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप ग्रामीण विकास वास्तव में समझ पाए होंगे, गवर्नमेंट के योगदान को समझ पाए होंगे, किन चीजों में क्या क्या हमें पढ़ना है ये समझ पाए होंगे, ठीक है।
अपने यहां स्थानीय स्वशासन जो चलता है इसको समझ पाए होंगे। इन सभी के बारे में अलग अलग लेक्चर आज के बाद आपके आने वाले सीरीज में मिलेगा। तो आज के लेक्चर में क्या चीजें आपको समझ में आती हैं, कैसे कैसी प्रयास होते हैं, इन सभी के बारे में। और दूसरी बात, नोट्स के लिए भैया मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, सारे लोग 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले ले, परीक्षा प्लस ऐप में पूरा लगा हुआ है, वहां से सारे लोग जो है, पुरानी जो कक्षा है, यहाँ कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर अभी रजिस्ट्रेशन कराएं तो पुरानी क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, भैया सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जितनी क्लासेस हैं सभी के नोट्स मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है कि क्लास पहले हुई है तो नोट्स नहीं मिले, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, बाकी टीम आपके लिए सब कुछ करेगी, सारी चीजें हैं, आपकी परीक्षा, ये मानिए कि आपका जो भविष्य है एक बहुत अच्छी टीम के साथ है। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।